मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ अनिता सिंह और मेरे ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। अभी होली की तैयारी चल रही है, ऐसे में हर घर में या तो मिठाई रेडीमेड हम लेते हैं, खरीद कर लेते हैं, घर में बनाते हैं। तो आज हम नारियल की बर्फी बनाएंगे जो कि बहुत ही इजी है और कम खर्च में बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए हम फटाफट बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन लिया, मैंने 400 ग्राम का कंडेंस मिल्क का डब्बा लिया था जो कि मैंने पूरा नहीं डाला है, हाफ डब्बा ही, मतलब 200 ग्राम ही कंडेंस मिल्क डाले हैं क्योंकि मेरे पास बहुत कम नारियल के चूड़े थे। अब ज़्यादा बना रहे हो तो ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने 150 से 200 ग्राम ही नारियल का चूड़ा लिया इस, और इन दोनों को अब हम अच्छी तरह से पैन में मिक्स करते हैं। जब तक मैंने नारियल का चूड़ा, थोड़ा मेरा फ्लेम मीडियम रह गया था तो अंदर थोड़ा सा पैन में कंडेंस मिल्क लग गया है। आप एकदम लो फ्लेम पर और मोटे तले वाले पैन में बनाइएगा। इन दोनों को हम मिक्स करके इसमें काजू और पिस्ता का कतरन डाल देते हैं। फिर इसमें हम इलायची और केसर का फ्लेवर के लिए इलायची और केसर का पाउडर था वो डाल दिए। आपके पास अगर ये नहीं हो तो सिर्फ इलायची का पाउडर ही डालिएगा, इससे भी इसका टेस्ट और सुगंध अच्छा आएगा। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम चीनी नहीं डालेंगे क्योंकि ये स्वीट कंडेंस मिल्क है और इसमें कुछ भी ज़्यादा खर्च नहीं लगता है, बहुत जल्दी और बहुत कम चीज़ों से बनकर तैयार हो जाता है। इधर मैंने एक प्लेट को घी से ग्रीस कर लिए थे, उस पर मैंने ये मिश्रण को डालकर अच्छी तरह से हाथों में थोड़ा सा पानी लगाकर टैप टैप करके अच्छी तरह से बैठा लिए हैं। आप चाहे तो ग्लास या कटोरी किसी से भी अच्छा से इसे चिकना कर सकते हैं। इसके ऊपर फिर से मैंने एक पिस्ता और काजू का कतरन और बादाम इन सब का कतरन डाल दिया। आप ड्राई फ्रूट्स अपने मन से ले सकते हैं और थोड़ा सा इस पर केसर के धागे भी डाल दिए हैं। इन सबको आधे घंटे के लिए हमने ठंडा होने के लिए छोड़ दिए। आप चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं या बाहर किसी ठंडी जगह। और फिर मैंने निकाल कर बर्फी शेप में कट कर लिया है। खाने में भी बहुत टेस्टी और बनाने में भी बहुत आसान। तो एक बार